चैनल। तो गाइस आज मैं आपको लेके आई हूँ एमिरेट्स मॉल में। मतलब आज मेरा जो प्लान है जाने का वो एमिरेट्स मॉल का था, बट अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एमिरेट्स मॉल में। एक्चुअली बस ऐसे थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी थी, इसके लिए मैं यहाँ आज आई हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ एमिरेट्स मॉल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आई हूँ सफोरा में ट्राई करने के लिए फाउंडेशन, और ये देखो मैंने ट्राई किया हुआ है। पर ये मेरी स्किन में बहुत एलर्जी रहती है, तो मुझे कॉस्मेटिक से बहुत एलर्जी है, तो मैं मतलब कर नहीं सकती। बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का, अगर होता है तो। और अभी कंसीलर ट्राई करूँगी कैसा होता है, बट अभी मुझे फाउंडेशन तो बेस्ट लग नहीं रहा कि फाउंडेशन है सेट है या नहीं। अभी ट्राई करते हैं एटलीस्ट 3-4 hours। ओके तो मैंने ये कंसीलर भी ट्राई किया है अभी, तो कंसीलर तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट मुझे फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इनको बोला है कि मैं कुछ टाइम के लिए इसको ट्राई करती हूँ, 3-4 घंटे के लिए स्टे करती हूँ। अगर मुझे सूट बैठता है तो फिर मैं परचेज़ करूँगी, अगर मुझे सूट नहीं बैठता तो मैं परचेज नहीं करूँगी। पर मुझे लगता नहीं मुझे कॉस्मेटिक सूट बैठेगा, वो ट्राई करते हैं। तो ये है सफोरा का स्टोर, यहाँ पे हुडा ब्यूटी और काफ़ी जो ब्रांड है मतलब कॉस्मेटिक के वो आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैं आ तो गई हूँ इतना सा मेकअप करा के। ये देखो मेरी स्किन बहुत ड्राई 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 हो रही है, क्योंकि ये लोग फेस पे अलाउड नहीं करते। इन्होंने बोला है कि फेस पे अलाउड नहीं है मास्क हटाना, तो उन्होंने सिर्फ फोर हेड और आईज पे किया है। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है, अगर कोई अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो भी ठीक है। एटलीस्ट ये तो है कि कंफर्म तो हो जाएगा कि मुझे सूट बैठता है या नहीं बैठता। ये तो ऐसे लग रही है आंटियाँ जैसी, अभी अभी बात करेंगी किसी से, कुछ अंकल भी है। तो यहाँ पे स्टोर तो काफ़ी अच्छे हैं, ब्रांड भी काफ़ी हैं, और मैं भी लास्ट फ्लोर पे आई हूँ इसके, लास्ट फ्लोर पे देखते हैं क्या है। काफ़ी बर्बरी वगैरह भी हैं यहाँ पे, फैंडी फुंडी भी हैं काफ़ी हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड हैं मतलब यहाँ पे। यहाँ पे शूज़ लेने हैं, क्योंकि हुआ क्या मैं बताती हूँ। हम कल मॉल गए थे एक, जहाँ से मैंने बैग लेना था अपना। तो बैग लेने के लिए जैसे हम लोग मॉल में गए, तो वहाँ जैसे पता नहीं क्या छोटा सा बच्चा था, तो वो मेरे पास खड़ा था बिल्कुल, तो उसने ऐसे शूज़ पे कुछ गिराया मेरे, और गिराने के बाद वो शूज़ से दाग अभी तक नहीं उतरा। और आज मैं शूज़ किसी के मांग के पहन के आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये कहाँ दिख रहे हैं, तो ये मांगे हुए शूज़ हैं, ये मैंने मांगे शूज़ पहने हुए हैं। अभी मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से शूज़ परचेज़ कर लेती हूँ। खर्चे पे खर्चे, पहले बैग वाला खर्चा, क्योंकि जो बैग मैं लेके आई थी वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था मुझे बिल्कुल भी, मतलब बार बार नीचे गिर रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला बैग पैक लिया। कल दिखाया था मैंने आपको, तो ये कंफर्ट है, शोल्डर पे किया और अपना काम। अब मैं शूज़ और देख रही हूँ कहाँ पे मिलते हैं मेरे को फिलहाल। तब ऐसा लगा था कि जैसे मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ, पर यहाँ तो फ्लोर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो मैं पहुँची हूँ लास्ट वाले फ्लोर पे, जो ये लास्ट वाला फ्लोर है, तो एक बात तो मैंने नोटिस की है, कितना भी यहाँ पे घूम लो ठीक है, कितना भी कुछ कर लो यहाँ पे, पर जो मज़ा सच में अपनी सिटी में आता है ना, वो कहीं नहीं आता।
मतलब यह कारण नहीं है कि मज़ा इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, अगर कुछ सब कुछ देखने को मिल रहा है, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है बंदे की। पर क्या होता है कि अपनी जो सिटी होती है ना, अपनी सिटी में एक स्टोर पे गए, एक शोरूम पे गए, कोई चीपी नहीं टीपी नहीं, अपना उनको बोला कि मुझे ख़रीदना है, देखा पसंद किया और लिया। यहाँ आप मॉल में आप लोग आते हैं तो अरे यार ये क्यों गया, तो मान के चलो कि आपकी दिमाग की ना दही हो जाती है, मतलब दिमाग ऐसे फटने को हो जाता है कि बंदा करे तो करे क्या, समझ में मतलब कुछ नहीं आता कि क्या ख़रीदे और क्या छोड़े। मतलब यहाँ पे इतना कुछ है, इतने ब्रांड है कि ये मन करते हैं ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो, पर इतना ख़रीदा नहीं जाता ना, सब लोग जानते हैं क्यों नहीं ख़रीदा जाता। तो वैसे कुल मिला के अच्छा है, मतलब अच्छा है ये वाला मॉल, मतलब ये जो मॉल है मुझे इतना नहीं पता, बट मेरी फ्रेंड बोलती है कि जो मॉल है ये दुबई मॉल के बाद इसका नंबर आता है एमिरेट्स का, अगर सेकंड नंबर पे कोई दुबई के अंदर मॉल है तो वो ये वाला है, और फर्स्ट जो है वो दुबई मॉल तो फिर है ही, वो तो सबको ही पता है। तो ये अच्छा है, बस अभी मैंने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस इसको दिखाना है, घुमाना है आप लोगों को, घर बैठे एमिरेट्स मॉल दिखाना है आप लोगों को, घर बैठे क्या कौन सा मॉल, दुबई मॉल दिखाना है, डेजर्ट सिफारी, मतलब जो काफ़ी कुछ है वो दिखाना है। तो यहाँ आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं आई, ठीक है, तो वो मुझे बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, उसकी बेटे की आज क्लास वगैरह मतलब स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरे साथ जो चेरी है वो आई थी मेट्रो तक, यहाँ उसने मुझे छोड़ा, वो अपने ऑफिस चली गई, ऑफिस के बाद उसने बोला कि आप सीधा यहाँ से मेट्रो पकड़ के घर चले जाना। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था दिल्ली में, मैं फ़र्स्ट टाइम, मैंने आपको पहले वीडियो डाला था कि मैं दिल्ली में ट्राई कर रही हूँ मेट्रो का, कि मेट्रो में कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते, और सेकंड टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मेट्रो में इंटरनेशनल में दुबई में। तो मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेट्रो में सेम सी मेट्रो है, और ज़्यादा कोई फंडे वाली बात भी नहीं है। पहली बार जो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुई तो क्या थी, मतलब थोड़ा दिल के अंदर होता है कि यार कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, पर सब मैनेज हो जाता है, सेट हो जाता है। तो किसी का भी आने का मन करे तो यार आओ, और मतलब मैं अगर यहाँ आई हूँ तो ये घूमने के लिए नहीं है, सच बताऊँ मैं घूमने के लिए नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मेरे को घूमने का इतना है नहीं, मैं थक चुकी हूँ घूम घूम के। तो मेरी फ्रेंड है ना जो, तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया, क्योंकि वो उसके यहाँ दुबई में 15 साल से रह रही है, तो जब भी आती है मुझे हर बार फोर्स करती है कि चल मेरे साथ दुबई। तो मैंने कहा चलूँगी, चल। इस बार उसने मुझे बिन बोले टिकट करा दी, कहती चल रहा है तो चलेगी, नहीं तो मेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो यार चला आते हैं, अभी किसी फ्री भी थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं आ गई। थोड़ा सा आने से क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना इंसान का बढ़ता है। वैसे आने का तो फैमिली के साथ आओ, फैमिली के साथ बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है अकेले घूमने की बजाय, अकेले तुम पागलों की तरह इधर से उधर भटकते रहते हो, इधर चले गए उधर चले गए, मज़ा नहीं आता। जो मज़ा परिवार के साथ आता है ना, कि हाँ फैमिली के साथ हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या सिंगल को थोड़ा सा लगता है क्या करें यार, सिंगल बंदा अपनी भूख भी मार देता है कि छोड़ो बाद में खाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको मॉल दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपने शूज़ लेती हूँ क्योंकि मेरे शूज़ ख़राब हो चुके हैं, और फिर मैं घर जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ स्की दुबई वाली साइड, यहाँ पे स्की दुबई है ना, वहीं आपके पास में ही अगर आप किसी को लेना हो शूज़ वगैरह एमिरेट्स मॉल में आके, वहाँ पे मल्टी ब्रांड हैं, सन एंड सैंड के नाम से मल्टी ब्रांड है, वहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलते हैं शूज़ के, इंडियन ब्रांड भी हैं हमारे, बाहर के तो होने हैं। और स्की दुबई की साइड आप जाएंगे तो स्की दुबई से थोड़ा सा पहले ही मतलब आता है स्टोर, वहाँ पे वहाँ आप देख सकते हैं। और ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे पानी के अंदर कोई स्विमिंग कर रहा हो, इस टाइप से देखो उन्होंने बनाया है, हॉलिस्टर का है ये ब्रांड है हॉलिस्टर का, मतलब कपड़ों का। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ मतलब अच्छे कोई तैर रहा हो, पानी रियल में चल रहा हो, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, तो आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, सब दिया हुआ है, स्नो पार्क एंड वेंडर पैकेज। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे को एंजॉय कर रहे हैं, इनको स्नोफॉल भी ऊपर से गिर रही है, ठंडा मतलब अंदर पूरी ठंड होती है, ये देखो ये मतलब करके हुए हैं पूरे ऐसे, तो
पूरा ठंड होती है, ऐसा नहीं है कि अंदर गर्मी लग रही है। इनको कैप वैप पहन के अच्छे से पैक करके अंदर भेजा जाता है ताकि ठंडा हो। मेरी डेस्टिनेशन है वो आ चुकी है, मैप लगाया मैंने वहाँ पे और यहाँ तक पहुँची हूँ, सन एंड सैंड तक स्पोर्ट्स का ब्रांड है जो, तो इसमें जाके शूज़ देखते हैं मिलते हैं या कौन से ब्रांड ब्रांड के हैं, कौन से ब्रांड के नहीं। ₹11,799 मतलब 700 11,800 कुछ का पड़ा, और ये मैंने सेम नेट पे देखा था, ये नेट पे भी इतना ही दिखा रखा था।